अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हमने बनाया है चाइना ग्रास ये जेली के साथ में। तो चलो तो बताती हूँ ये कैसे बनता है। ये एक गिलास पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, इसमें ये जेली का पैकेट डालेंगे और इसको थोड़ी देर पका लेंगे। इसमें जो शक्कर है वो पिघलने तक हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और फिर उतार के इसको जमने के लिए रख देंगे एक प्लेट में डाल के। और गैस ऑफ कर देंगे। अभी ये अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गई है इसके अंदर ये शुगर। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसको एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रख देंगे। इस प्लेट में हम इसको डाल देंगे। इसको सेट होने के लिए रख देंगे। सेट होने के बाद में हम इसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें फ्रिज में रख देंगे इसको। अब हम चाइना ग्रास बनाएंगे, उसके लिए मैंने ये एक पैकेट ले लिया है, ये 8 ग्राम का है। इसको हम एक कप पानी में इसको भीगने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये दूध मैंने बॉयल होने के लिए रखा है, ये 1/2 लीटर मिल्क है और इसमें ये डालूंगी मैं 4 टेबलस्पून शुगर। और हम इसको अभी अच्छी तरह से पका लेंगे, एक उबाल आ जाएगा ना तब तक इसको पकाएंगे, फिर दिखाते हैं इसको फिर क्या करते हैं। इसमें डालेंगे ये 2 ड्रॉप वैनिला एसेंस। आपको चाहिए तो वैनिला एसेंस डालो, नहीं तो फिर आपको चाहिए तो आप इलायची भी डाल सकते हो। ये इसमें अभी बॉयल आ चुका है, अभी इसको हम गैस को बंद कर देंगे। और अब ये चाइना ग्रास को जो हमने रखा था भीगने के लिए 10-15 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसको पका लेंगे। इसको पूरा डिसॉल्व होने तक इसको भी पका लेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। ये पक चुका है, अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गया है, ये देखो। तो अब हम इसको इसमें दूध मिक्स करेंगे। इसको दूध में मिक्स कर देंगे। इसको 5 मिनट पकने देंगे। अब हम इसको बॉयल आने नहीं देंगे, बॉयल आने पर ना वो फट जाता है कभी कभी, तो इसको हम थोड़ा गर्म हो जाए ना, बस ऐसे भाप आने लगे ऊपर, तो बस इसको बंद कर देंगे और फिर हम इसको सेट करेंगे। ये भी पूरी तरह से इसमें जो हमने डाला था चाइना ग्रास जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी डिजॉल्व हो गया है इसमें पकते हुए। और अभी ये थोड़ा अच्छा गर्म हो जाए ना बस, तो उसको गैस इसकी बंद कर देंगे। ये जेली जो हमने बनाई थी अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से छोटे छोटे पीस में। इस साइड भी कर लेंगे इस तरह से, उसको निकाल लेंगे इस तरह। इसमें हम इसको पहले नीचे डाल देंगे थोड़े हाथ से ही इस तरह से। और इस पर अभी चाइना ग्रास डाल देंगे। इसको थोड़ा हल्का सा मैंने ठंडा कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा, मतलब ऊपर से निकालते से मतलब गैस पे से नहीं डाली, इसे थोड़ा सा हल्का उसको करके फिर मैंने इसमें डाल दिया है। इसे ये डाल देंगे इस पर जेली। सब तरफ इसको अच्छी तरह से डाल देंगे
ये मैं इसमें पूरा डाल चुकी हूँ। अब हम इसको पहले ठंडा होने के लिए रखेंगे, जब ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे तो फिर मैं इसको फ्रिज में जमने के लिए रख दूँगी, फिर इसके बाद मिलते हैं। तो ये तैयार हो चुका है, अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे, इसके साइड लूज कर लेंगे साइड से अच्छी तरह से, और फिर हम इसको प्लेट में डीमोल्ड करेंगे। तो ये चाइना ग्रास हमारा निकल चुका है, तो ये ऐसे लग रहा है, इसका ये लुक आया है। चलो तो ये तैयार है, इसको आप भी बनाना अपने किचन में, ट्राई करना और ज़रूर कमेंट बताना कि कैसे बना है। सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।